हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना जेडब्ल्यू 2021 का 24th ऑफ फेब को शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें क्वेश्चन दिया था, इफ ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई एक्स प्लस बीटा बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, फंक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने को निकालना क्या है। एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, मतलब यहां पर जो एफ ऑफ एक्स के साथ ए है वो भी अपने पास नहीं है, और यहां पर एफ ऑफ वन बाई एक्स के साथ जो अल्फा है वो भी यहां पर नहीं है। सेम चीज बीटा और बी, ये दोनों यहां पर नहीं है, अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी को लेकर अपन समझते हैं कि अपने को दिया है सबसे पहले ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया है। अगर अपन सपोज करते हैं कि ए और अल्फा दोनों बराबर है तो ये 1/2 अपन कंसिडर करेंगे इसमें। ठीक है, सेकेंड चीज अपने को क्या दिया है, बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 2। अगर यहां पर भी बीटा और बी को इक्वल लेते हैं तो दोनों 1 की जैसे आपका कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को यहां रखते हैं। अपने को क्या दिया था, a इंटू एफ ऑफ एक्स, ए का वैल्यू हाफ है, हाफ इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, अल्फा की वैल्यू भी 1/2 एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बीटा बाई एक्स, बीटा की वैल्यू 1 तो 1 बाई एक्स प्लस बी इंटू एक्स, बी की वैल्यू भी 1 तो ये भी आ गया एक्स। अब इन दोनों से हाफ अपन कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, और यही चीज अपने को निकालना था। अगर ये वैल्यू अपना ट्रांसफर होकर इधर चल जाएगा और 2 इधर चल जाएगा तो पूरा जो अपने को चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये पूरा आपको आंसर मिल जाएगा 2। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन का क्वेश्चन था, बस अपने को निकालना क्या है और गिवन क्या है उन दोनों को देखते हुए इसको सॉल्व करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, अ कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू b इंटू x टू द पावर 4 सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 f ऑफ x dx इज इक्वल टू 62/5 देन वैल्यू ऑफ b इज। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और यहां से अपने को देखने को पता चल रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। मतलब ये आपका दिया है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू बी एक्स टू द पावर 4, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये 5 नहीं है, b है, b इंटू एक्स टू द पावर 4 और ये हो जाएगा b इंटू एक्स टू द पावर 3। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। सबसे पहले अपन इसे क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर e इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, देखिए हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, तो ये सिंपल हो जाएगा, लॉग एक्स, ई और लॉग एक्स कैंसिल तो आ गया आपके पास एक्स। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, वाई आपका एज इट इज, एक्स की वैल्यू यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर आपका एक्स आ गया, ये क्या है आपके पास टोटल बी एक्स क्यूब, क्यू की वैल्यू तो बी इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी करेंगे अपन, y इंटू एक्स बी बाहर, ये हो जाएगा कितना, x टू पावर 5 बाई 5 प्लस c। ठीक है, नाउ अब अपने को क्या बोला है, इट पासेस थ्रू 1, 2। ठीक है, तो ये 1, 2 से अगर पास हो रहा है तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा और यहां आ जाएगा b बाई 5 प्लस c। ठीक है, इसको अपन एक इक्वेशन लेके चलते हैं, ये आपका एक इक्वेशन बनेगा। सेकेंड अपने को क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, 62/5। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, तो एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया है, वाई है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहां से अगर मैं वाई के वैल्यू निकालते हैं, वाई क्या जाएगा आपका बी इंटू एक्स टू द पावर 4/5 प्लस सी बाई एक्स। ठीक है, एक्स अपॉन में चले जाएगा, तो यहां पर उस चीज को रखते हैं 1 से लेकर 2, ये कितना हो जाएगा आपका बी इंटू एक्स टू द पावर 4/5 प्लस सी बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 62/5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो बी एज इट इज है, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 25 प्लस सी इंटू लॉग एक्स फ्रॉम 1 to 2 और ये कितना दिया आपको 62/5। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया है, अब इसमें अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट रखेंगे,
एक्स में अपन रखेंगे 2, 2 टू द पावर 5 इज 32, 32 अपॉन 25 प्लस सी लॉग 2 ये हो जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो b अपॉन 25 और log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, इज इक्वल टू 62/5, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे अपन तो अपने पास फिर से c और b में एक इक्वेशन मिलेगा और यहां पर भी c और b में एक इक्वेशन है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने अपने को आता है, उससे सॉल्व कर लेंगे तो पूरा इसका आंसर आ रहा है b की वैल्यू जो अपने को चाहिए था वो 10 आ रहा है, ठीक है। यहां पर भी c और b के फॉर्म में पूरा इक्वेशन है, यहां पर भी c और b के फॉर्म में पूरा इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने अपने को आता है, इसको सिंपल सॉल्व करना है तो b का वैल्यू जो अपने पास आ रहा है वो यहां पर आ जाएगा 10। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 और एफ डबल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ 1 लाइज इन, ठीक है, आपको इंटरवल्स दिया है ओपन और क्लोज ब्रैकेट में, तो इसको अपने को देखना है कैसे करेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं अपन, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 दिया तो उसको उधर लेके चलते हैं, एफ डैश एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल टाइप का चीज करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स यही रहेगा अपॉन एक ठो एफ डैश एक्स यहां से उठा के यहां ले आए हैं, बचा एक एफ डैश ऑफ एक्स यहां रहेगा और यहां पर जो सिंगल आपका एफ ऑफ एक्स था उसको ले आया है। ऐसा क्यों किए हैं, जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको अपन टी लेंगे तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका क्या बनेगा लॉग ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, ठीक है, इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं तो सेम पैटर्न पे अपन लॉग भी लगाएंगे, लॉग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू सी, ठीक है। अब अपने को वैल्यू क्या दिया, एफ ऑफ जीरो पर वन दिया और एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू दिया है, तो अपन पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा यहां पर एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इंटू सी, एफ डैश ऑफ जीरो कितना 2, ये कितना 1, तो c का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, ठीक है। इस c की वैल्यू को यहां इक्वेशन 1 लेके यहां पर पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब फिर से इसको ट्रांसफर करते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एक्स प्लस डी। अब अपन डी लेंगे यहां पर, ठीक है, जगह सी ले लिया था तो दोबारा उसको नहीं लेंगे, फिर से अपन के पास क्या है यहां पर, इसको अगर अपन सिंपल करते हैं एंटी लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ 2 एक्स प्लस डी या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 एक्स इंटू ई टू द पावर डी, सिंपल ई टू द पावर डी आपका कॉन्स्टेंट है तो इसको अपन के से डिनोट करते हैं, यह आ जाएगा आपका ई टू द पावर 2x, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है f ऑफ 1 लाइज इन, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखते हैं यहां पर, x की वैल्यू 1 रखेंगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू k एज इट इज है, ठीक है, इनटू e टू द पावर 2, ठीक है, e टू द पावर 2 आ जाएगा यहां पर, तो f ऑफ 1 की वैल्यू फिर से कितना आपके पास, f ऑफ 1 नहीं है अपने पास, ठीक है, या एक काम पहले करते हैं यहां x की वैल्यू 0 रखते हैं, k को भी अपने को निकालना है तो जाएगा कितना एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू के ओनली, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितना आपके पास 1, तो के का वैल्यू यहां से आ गया 1, ठीक है, तो के को यहां से हटा देते हैं, के की वैल्यू 1 आ चुकी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गया ई स्क्वायर, तो अपने को पता है ई की वैल्यू अप्रोक्स होती है 2.7, ई स्क्वायर हो जाएगा ये 7.29, ठीक है, 27 का स्क्वायर 729, तो ये कहां से कहां तक अपना रेंज लाइन कर रहा है, ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 6 से लेकर 9 तक, ठीक है, तो सिंपल ये आपका डिफरेंशिएशन ए डिटरमिनेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था जिसमें अपने को रेंज निकालना था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक सर्कल है, नॉर्मल एंड टेंजेंट आर ड्रॉन टू इट एट 5.7, 5.7 एक पॉइंट है जिसे नॉर्मल और टेंजेंट दोनों ड्रॉ होते हैं सर्कल के ऊपर,
एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय नॉर्मल टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस। एक ट्रायंगल बन रहा है जो नॉर्मल टेंजेंट और एक्स एक्सिस से मिल रहा है, उसका एरिया है ए। देन फाइंड द 24 ए। ठीक है, सर्कल का एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल है अपने पास। अब इसका जो सेंटर हो क्या दिया आपको 2, 3। ठीक है, फिर अपने क्या दिया, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 5, 7। तो 5, 7 है, यहां से एक अपने पास एक टेंजेंट आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा ले लेते हैं, ये आ रहा है, और यहां से ये अपने पास एक नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है, तो अपन एक एक्स एक्सिस लेते हैं, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस आ जाएगा पूरा। ये अपने पास स्ट्रेट है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको देखेंगे। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस के साथ ये अपना एक ट्रायंगल बन रहा है, इसे एक पॉइंट पी देते हैं, इसको ओ, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, अभी अपने को ए बी के पॉइंट नहीं पता है, तो सपोज करते हैं ये ए का पॉइंट है 1, 0 और बी का पॉइंट है आपके पास क्या 2, 0। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल का एरिया आपको पी ए बी का ए दिया है। अब ये 5, 7 है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 7 रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना आएगा, जितना बी ट्रेवल किया है और जितना ए आपका है टोटल बी माइनस ए, इंटू हाइट क्या हो जाएगा 7। तो अपने को ए और बी की वैल्यू बस निकालना है, स्मॉल ए और स्मॉल बी की। ठीक है, वो कैसे निकलेगा देखते हैं। सबसे पहले ये ओ और बी का अपन स्लोप लेते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ ओपी क्या होता है, स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। एक बार यूज कर लिख देते हैं इसको, थर्ड जगह यूज होगा। ओ से पी वाई टू माइनस वाई वन मतलब कितना, 7 माइनस 3 और 5 माइनस 2 तो कितना आपका 4/3। ठीक है, 4/3 स्लोप कितना हो गया ओपी का। अगर ओपी का स्लोप ये है तो ये दोनों अपने को पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर 90 डिग्री में रहते हैं। तो पीबी का स्लोप कितना, सबसे पहले स्लोप ऑफ पीबी निकालेंगे, पर फिर कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ पीबी इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ ओपी। तो पीबी का स्लोप कितना हो जाएगा, -3/4। ठीक है, अब जो स्लोप आपका ओ से पी का रहेगा वही स्लोप आपका पी से ए का रहेगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ पी ए फिर से y2 - y1 मतलब कितना, 5 - a / 7 - 0। और यही स्लोप किसके बराबर रहेगा, स्लोप ऑफ ओपी, ये दोनों लाइन सेम है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 15 - 3a = 28, या स्लोप ऑफ 4/3 x2 - x1 अपने को लेना है। सबसे पहले y2 - y1 लेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 5 - a, ये हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना आएगा, 7 * 21 = 20 - 4a। ठीक है, या 4 इधर आ जाएगा तो 1, a का वैल्यू आ गया आपके पास 1/4। ठीक है, ये पहला चीज अपने को मिल गया, a का वैल्यू 1/4। अब b ले लेंगे अपने पास, तो b के लिए क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ pb, ये हमने निकाल चुका, स्लोप ऑफ pb ये हो गया है। ठीक है, इसके बाद यही वैल्यू किसके इक्वल होगा आपका, p से b के। सो अब अपने को देखना स्लोप ऑफ pb। ठीक है, एक स्लोप ऑफ पीबी अपन यहां से निकाल चुके हैं -1 / ओपी करके, और एक पीबी अपना y2 - y1 से आएगा। तो y2 अपने पास क्या, 7 - 0, y2 - y1 / x2 - x1 आपका हो जाएगा कितना, 5 - b, ये किसके इक्वल है, -3/4। ठीक है, तो जाएगा 28 = -15 + 3b, ये आ गया आपके पास। इधर चल जाएगा तो 43 = 3b, या 43/3 = b, ये आ गया आपके पास, a और b आ गया। अब अपने पास निकालना क्या है, ½ × b - a / b - a × 7। तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू ½ × b, कितना आपके पास 43/3, a कितना है आपके पास 1/4, और इंटू ये आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको 4 × 3 = 12, 4 × 3 यहाँ पर। एक चीज अपने पास यहाँ पर गलती हो रहा है, 21 - 20 है तो माइनस आ गया यहाँ पर, -1/4। ठीक है, तो -, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 4 × 3 = 12, 1 carry 172 + 3 × 7। ठीक है, या 1/24 × 175 × 7, ये आपके पास एरिया आ रहा है ए। अब अपने को निकालना क्या है, 24a। ठीक है, 24a, तो 24 एज इट इज एरिया अपने पास आया है 1/24 ×
175 इंटू 7 ये करेंगे तो अपने पास आएगा 1225, 24 कैंसल, तो 1225 इसका आपका आंसर आएगा 24A का। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, जिसमें अपने को 24 इंटू ए निकालना था, जो एरिया आपको टेंजेंट नॉर्मल और एक्स एक्सिस से मिलकर बना था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ एक्स 1, 2, 3, 4, 5, then find the probability such that n of a intersection b is equal to 2। ठीक है, मतलब क्या दिया है, a और b दो सबसेट है जिसमें दोनों में कोई दो एलिमेंट आपके कॉमन है, तो 1, 2, 3, 4, 5 से मिलकर टोटल कितने सबसेट आपके बन सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है, इन सबके पास चार ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना है अपने को, अगर इवेंट ई लेते हैं Q निकलेगा n of e upon n of s, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं n of s के लिए। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स के लिए चार ऑप्शन अपने पास रहेगा, कौन कौन से चार ऑप्शन रहेगा, कि वो a में जाए या b में जाए या दोनों में जाए a एंड b या किसी में ना जाए। ठीक है, ये अपने पास रहेगा, अगर नहीं भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हुआ, 1 के पास भी चार ऑप्शन है, 2 के पास भी चार ऑप्शन है, 3 के पास भी, 4 के पास भी और 5 के पास भी, तो टोटल आपके पास आ गया 4 to the power 5, ये आपका n of s आ गया। या यहाँ पर ऑप्शन में आपको 2 के पावर में दिख रहा है तो इसको 2 टू द पावर 10 लिख लेते हैं अपन। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। अब दूसरा क्या बोला है कि n of a intersection b की वैल्यू 2 है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट जो है वो a और b में कॉमन होना चाहिए। टोटल आपके पास 5 एलिमेंट है तो 5 से अपन C2 दो एलिमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब तीन एलिमेंट आपके पास बचे, कोई मान लो अगर 1 और 2 निकाल लेते हैं, तो बाकी के जो तीन एलिमेंट हैं उनके पास फिर से तीन ऑप्शन है, बाकी के जो तीन एलिमेंट हैं उनके पास तीन ऑप्शन है। पहला क्या, या तो गो टू ए, ए में जाए, या गो टू बी, बी में जाए, या किसी में ना जाए। दोनों में तो जा नहीं सकते क्योंकि दोनों में आपके पास टोटल कोई दो ही वैल्यू कॉमन है। ठीक है, या तो वो ए में जाएंगे तीनों, या तो वो बी में जाएंगे, या तो वो किसी में भी ना जाए, तो इनके पास फिर से तीन ऑप्शन है। ठीक है, 3, 3, 3, तो यहां पर लिख सकते हैं अपन 3 का पावर 3, ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो एन ऑफ ई आ गया अपॉन एन ऑफ एस कर देंगे इसको। ठीक है, तो 5C10 आपका हो जाएगा 10 × 27/2 to the power 10। इसको पूरा अपन सॉल्व करते हैं तो ये आपका ऑप्शन आ जाता है 135/2 to the power 9। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आगे आने वाले वीडियो में इसी 24 5/2 के आगे के क्वेश्चन को अपन डील करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।